हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है मिस्टर दिनेश पवार में। तो हमारा नीलकंठ आज सुबह सुबह में नमस्कार नमस्कार। अरे वाह, और तुअर की दाल गल रही है दोस्तों। और देखिए तो गरबा हमने इधर बैठाया है, इनको क्या कहते हैं नवरात्रा, तो वो इधर बैठा है तो अच्छी बात है। और पूजा दीदी शायद किधर निकल गई, और हरी मिर्च टमाटर वगैरह रश्मि ने काट लिया है, और घर का पूरा काम धाम तो हो गया है, पर अभी दिनेश जी के पास जाते हैं। और सासू माँ कुछ और दिनेश जी कटिंग दाढ़ी कर रहे हैं, और पूजा दीदी कहाँ गए कहाँ नहीं देखते हैं। क्या हुआ नीलकंठ? चलो, पूजा दीदी शायद किधर निकल गई। वो रश्मि तो मेरे साथ बोलती नहीं है, बोलती रहती तो उनको पूछ लेती कि कहाँ गए। और हाँ दोस्तों, अभी है ना 2-3 दिन हो गए हैं नल तो नहीं आए हुए हैं, क्योंकि पानी की बहुत दिक्कत हो रही है। वो जो पाइपलाइन सुधार रहे थे उस दिन से पाइप कुछ फूट गया है कि क्या हुआ है, वो नहीं चालू कर रहे हैं, पानी ख़त्म है। और जहाँ से हम भरते थे पहले बोरिंग पे से दूर से, वहाँ से हमने कल भर लिया था पीने के लिए, और कुछ 2 डफड़े भी भर लिए थे नहाने के लिए। और देखिए पानी पीने के लिए ये 2 और ये 1 ऐसा भर लिया था। और अभी तो दाल हो रही है, कोई नहीं हमारे साथ बने रही है, आगे क्या होता है क्या नहीं हम दिखाएंगे। पूजा आ गई है। नमस्कार फैमिली, तुअर की दाल है। और ये थोड़ा धुआं फूको ना दीदी। ओ कल गैस भरने वाला था दिनेश जी, पर वो जो गैस वाली गाड़ी है तो ये हमारी जो गैस है वो इंडियन है बोले, और जो कल गाड़ी आई थी गैस वाली वो एच बी के क्या बोलते हैं वो गाड़ी आई थी बोलते, इसलिए गैस नहीं भरी है गैस हंडी, तो इंडियन में आएगी तब हम भरवा लेंगे। तुअर की दाल बिल बना लेते हैं दिनेश जी का, तो वो काम तो चल रहा है। हाँ कटिंग वाला वो शायद कुछ अरसा। और फैमिली हम पानी के लिए मुंडाले में कैसे पानी पानी करते थे वैसे ही पानी पानी करने लगे। अभी वो 6-7 दिन हो गया है पानी नहीं आ रहा है, क्योंकि पाइपलाइन है ना वो टूट गई है, वो रोड बना रहे हैं ना बन गया है वैसे तो, तब बुलडोजर टूट गई है तो अभी तक नहीं सुधारा है, तो पानी भी नहीं तो नहीं है। बाकी सब 2-3 घर के मेंबर नहा लिए हैं और बाकी पड़े हैं, और जब नहाने में जहाँ भरते थे वहाँ पर गई तो 1 तास हो गया है एक हंडे के लिए, तो मैं आ गई 1 हंडा ही लेकर। अभी 2-3 दिन हो गए हैं नहाने के लिए, पानी भी नहीं है इसलिए हम नहीं नहाए हैं। तो नदी विधि पे? नदी विधि पर तो नहीं जाऊँगी मैं, क्योंकि हाँ डर लगता है। नहीं नदी में सुनसान में कहाँ जाएगी, अरे हमारा जंगल है और जंगल पे भरोसा नहीं भरो दोस्तों। वो तो पूजा दीदी को ही पता, पर वो है ना मैंने ये बात क्यों कहा है कि नदी पे क्यों नहीं, वो डरती बहुत है, उनकी थोड़ी परीक्षा भी लेना पड़ता है, वो इतना डरती है ना तो पूछो ही मत। हाँ। क्या करेंगे सही बता रहे हैं, डर तो लगना ही चाहिए, क्योंकि
इंसान है। सही बात है। और ऐसा नहीं होता है कि दुनिया भूत की भी नहीं होती, होती है। नहीं, भूत से नहीं वो भूत देख सकते हैं। कोई शेर, हाँ हाँ, वो क्या बोलते हैं, चीता, चीता, लाल सफ नीला, रश्मि को बोल रही है लाल चटनी लाओ बोले। हिरी यो थैली में छिरे यो, हाँ यो उसका चटनी आ गए कुन। पानी भरने के लिए गई तो बहुत देर हो गया है। चलो दिनेश जी क्या कर रहे हैं वो देखते हैं। हाय शत्रानी, हाय शत्रानी तारिणी, दोस्तों को नमस्कार। नमस्कार दीदी हो, नमस्कार आंटी हो, नमस्कार अंकल हो, नमस्कार। अरे वाह, ये मेरे बड़े भैया की लड़की है, जो ये आदित्य है इनका नाम। नमस्कार। और ये शत्रानी नमस्कार। नमस्कार। अरे वाह, और नमस्कार। हाँ अरे वाह बच्चो, वाह वाह, चल हाँ। जी क्या कर रहा है वो देखते हैं। हाँ इधर पानी दिन जी ने ये इस पे डाल दिया है क्योंकि ये रास्ता बनाने वाले। हाँ सदी आ रहा है, और आज तो बालवाड़ी नहीं खुली है क्योंकि आज रविवार है। नमस्कार। हाँ हाँ नमस्कार नमस्कार। हाँ इतना रास्ता बन गया, अच्छा हो गया है। पर दोस्त आपको क्या बोलूँ, इतना जोरों से इधर से मोटरसाइकिल चलती है ना, तो पूछे मत, बच्चे लोग को भी नहीं देखते हैं, और एकदम फास्ट चलती है, तो सभी मोटरसाइकिल वालों से मैं बोलती हूँ कि आप धीमे चलाओ। ये क्या बोलता हूँ, ऊपर चलता वैसे भगाता। हाँ जैसे इवान जैसा। नहीं दिनेश जी कहाँ गए, बच्चे लोग देखो ऐसे सड़क पर रहते हैं खेलने के लिए। हाँ सदीर आप नहीं बोलोगे, सिर्फ नमस्कार। और आंटी, अरे वाह कहाँ ट्रेन छूट चली है आपकी, कोई नहीं जबरदस्ती से तो बोलाना अच्छा नहीं रहता है, मन से बोलना चाहिए बच्चे लोग को। तो चलो ये मेरे बड़े भैया की लड़की है जो नमस्कार नमस्कार बोल रही थी, वो छोटी है, सबसे छोटी है। उनकी भी दो लड़कियां है और एक लड़का है, और मेरी भी बड़ी दीदी को दो लड़कियां और एक लड़का, और मुझे भी दो लड़की और एक लड़का, ऐसा है। तो कोई नहीं, हाँ पूजा दीदी ने तो शायद ये सब्जी कर लिया है। पूजा दीदी, दिनेश जी वहाँ नहीं है, कहाँ तरी गए हुए हैं, और हाँ ये दिनेश जी तो इधर है, वो टंकी में से पानी निकल रहा है क्योंकि वो टंकी भी धोने का है, तो दिनेश जी ही धो भी के अच्छा कर रहा है, पानी आएगा तो इसमें भर लेंगे। दाल बन गई है, दाल चावल, दाल बन गई है और ये चावल आज ये बना लिया है, आज का भोजन हमारा दाल चावल।
आवाज ये नीलकंठ को मैं नचा रही थी, वो बोलता है चलो बोले सा बकरी छोड़ दी, जा रही है चरने के लिए। सदिर तो चला गया, सदिर कहाँ गया? सदिर जा रहा है। और लेके जाओ सदिर, अच्छे से चराना। हाँ पूजा दीदी वो पहुँचा के आएगी बकरियों को, गांव से थोड़ा बाहर निकाल के फिर आएगी, क्योंकि बकरियाँ पांगा पांग हो जाती है, उस कारण से थोड़ा आगे तक छोड़ना पड़ता है बकरियों को, तो इसलिए पूजा दीदी जा रही है। इन्हें हमारे साथ बने रहे, खाना पानी तो सभी खा लिया है, और रश्मि के लिए आटे का घाटा कर रही है, क्योंकि उनका खिचड़ी खाने का नहीं है, इसलिए आटे का घाटा बनाना पड़ेगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे क्या होता है देखते हैं। मैम नहाने के लिए पानी भर रहे हैं, और खाना पीना तो हो गया है, बकरियाँ भी चली गई है, दो तीन दिन हो गए हैं नहाने के लिए, तो अभी लाइट चल जाएगी 12 बजे, आधे एक तास बाकी होगी। गाय से भर रहे हैं पानी, और सबका खाना हो गया है, दिनेश जी और मैं बाकी हूँ अभी खाने के लिए। तो कोई नहीं फैमिली, कल नए वीडियो में मिलते हैं, और हमारे साथ में बने रहिएगा, और हमारा साथ सपोर्ट बनाए रखना फैमिली। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र, जय खंड, नमस्कार। पढ़ के खाना।